हाँ भाई, क्या हो रहा है? तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेली छोड़कर? आदमी को कई जरूरी काम हो जो करने पड़े हैं। हाँ भाई, एक बात बताओ, तुम क्यों बाज नहीं आते? हम तो भागते भागते वैसे ही परेशान हो, और तुम बार बार आ जाओ पिटने की निया। कितनी गलत बात है। अरे वाह, तेरे तो हाथ भी चले। मैं तो सोच रही थी तुझे बस जुबान चलानी आवे। अच्छा, तू अभी जानती ना मुझे सब काम आवे। अच्छा अच्छा, फालतू मत बोले, चल अमित को ढूंढते हैं। हाँ, मुझे तो बस यू ही एक काम रह गया, पता ना ससुरा कहाँ छुपया बैठा। चल। ओ चूहे, किस बिल में छुपा बैठा बाहर निकल, वरना तेरा जीना नहीं बचेगा। सुके, तने कसम खाई थी ना तू उसे ना छोड़ दे, अब हम कसम खा रहे तने छोड़ के जा रहे हैं। अरे तुमने तो बिल्कुल हद कर दी, सारा गंडा और पोरी पे तकरार। पिटते पिटते हाड़ टूट गए, जो देखे वही लठिया दे। भागते भागते मारे गोड्डे में तो मवाद भी पड़ गई। तू जाने तेरा काम, हमें ना पता, हम तो जा रहे हैं। तुमने तो वही बात कर दी, शिकार के वक्त कुतिया आ गई, अब साथ देने का मौका यार, तुम चल दिए। हम तो गांव की इज्जत की खातिर तेरी साथ आ गए, तू हमें मरवाने की सोच रहा। मने तो यहाँ का माहौल ठीक ठाक ना लग रहा, और मैं नू कहूँ तू भी हमारे साथ चल, जाने तो जहाने। अरे मेरे यार, तुम तो कतई जी छोड़ गए, ऐसा के गजब हो गया। मारी तो हिम्मत देगी जवाब, मैं तो जा रहा, तू बता भाई तेरा क्या ख्याल है? अच्छा तो तुम मानो नी? ना, हम ना मानने। तुम तो बिल्कुल लुल्लू ही लिगड़े, पर मैंने खा रखी कसम, मैं उनके बगैर जाऊं नी, पर तुम मारे घर तो कह सको। ठीक है, हम कह देंगे। अमित, अमित, ओए कहाँ मर गया? अमित, हमसे डरने की जरूरत ना है, हम तो तेरी और पारुल की शादी कराना चाह रहे। ओ सजन, अब तो बाहर आ जा, जब तो साले बहुत मिले था, अब मुंह छुपाता फिरे। मैं तो थक गई, अब ना चला जाता। जब तो प्यार की देवी बन रही थी, मिला इन्हें, मिला इन्हें। यूसुफ तेरा क्या धरा है? ले आज मैं इसे सुधार ही दूं। क्यों भाई, तेरी समझ में ना आती है? कई बार समझा लिया तुझे, तू नुचावे तेरी भान उम्र भर कुवारी बैठी रहे। हम तो अमित को पारुल से शादी करने के लिए ले जा रहे थे। तो पहले तो क्यों ना बताई? पहले बतान दी तन्ने। मैं यूं कह रहा, बिना पिट्टे भी तो बता सके था तू। सुक्का भैया, हम तो पहले से ही बताना चाह रहे, पर तुमने बताने का मौका कहाँ दिया? अब पढ़ाई रहेगा, उसे ढूंढवाओगा भी। चलो तो आ। रामपाल का छोरा और मुंशी की छोरी तो लूटमार करते फिर रहे हैं। ओए, भाई खाते ना खोले मेरा आगे, तन्ने देखे हुए जाते हुए। हाँ देखे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, नू बता कहाँ है वे? वे झोला के जंगलों में। अरे मैं नू कहूँ, नू है और नू है, अनु ना कनु है, मैं यह बात बिल्कुल ना मानू। मेरी छोरी भाग तो सके, पर लूटमार बिल्कुल ना करे। बिरम सिंह जी, लाठी डंडे ठालो, वहाँ गड़बड़ जरूर है। ना पिताजी, लड़ियो मत, सब ठीक हो जाएगा, लट्ठी से तो चोट लग जाएगी। और मैं ना जाऊं लट्ठी के बिना, लट्ठी लेके जाऊं दो, एक टूटगी तो। अरे वार मत करो तावड़ा, चलो वहां कुछ मुंशी निचना हो जा। मुंशी मुझे मेरा लौंडा चाहिए, और वो भी ठीक ठाक, तेरी छोरी लेगी उसे भगा के, वो तो बंधा हुआ था। मुझे मेरी छोरी चाहिए ठीक ठाक, वो बंधा बंधा भी भगा के ले जा सके। मैं तुझे बांध के गेरू, तू भाग के दिखाइए। लड़ो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे यो ठीक होने दे, इसने इसके छोरे ने सारा गांव अधर ठहरा क्या? अधर?
अधर बता रहा, अधर तो मेरा छोरा ठा रखा तेरी छोरी ने। तुम समझदार हो गया, आपस में लड़ रहे, वहां चल के देखो वहां क्या हो रहा। चलो छोरा कहाँ है? मेरी जेब में धरा, ले ले। लड़के ऊंचा मत बोल, तू जानता नहीं ऊंचा बोलने वाले की हम जबान खींच लेते हैं। हम जान खींच ले और जबान तुम्हारी मशहूर है, सारी दुनिया जाने। पर तुम हो कौन? सुक्का भैया, ये अमित के पिताजी हैं। अच्छा, उस नीच का बाप है यो? नीच? तुझे मेरे खून को नीच कहने की हिम्मत कैसे हुई? जिसकी बहन की दुनिया उजड़ रही हो उसमें इतनी तो क्या, हजार गुना हिम्मत भी आ सकती है। ओहो, उस लड़की का भाई है? हाँ, अगर एक भाई ऐसा कर रहा है तो के गलत कर रहा है। ठीक है, गलत से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये बताओ अमित कहाँ है, वरना तीनों की लाशें यहीं बिछवा दूंगा। या तो पारुल की शादी अमित से होगी, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। नास की जड़ इनते क्यों लड़ रहा है? अरे मैं नू कहूं, नू है और नू है और नू है। शादी किसी की, लड़ाई किसी और की, और तू यहां भाग के क्यों आई? मुंशी, मुझे ना पता था तू आस्तीन का सांप है। अरे मैं नू कहूं बाबूजी, तुम यहां जंगल में तुम क्यों आए, यहां इनसे क्यों लड़ रहे? जिस थाली में खावा है उसी में छेद करे। तेरी छोरी ने और इस छोरे ने मेरे लड़के को गायब कर रखा है। अब बाबूजी क्या कह रहे? पापा, इन्हीं का लड़का अमित पारुल से प्यार करे। अमित तो शादी की नहीं तैयार है, पर यूं नहीं होने दे रहा। चौधरी साहब, जब दोनों बालक तैयार हैं, फिर आपको क्या ऐतराज है? चौधरी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँ, इस रिश्ते को अपना लो, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। रिश्ते हमेशा बराबर वालों में होते हैं, तेरी हैसियत क्या है हमारे सामने? ऐसे मरे गिरे तो हम भी ना चौधरी साहब, गाँव समाज में हमारी भी इज्जत है। होगा तो कितना बड़ा चौधरी, पर अब तो पारुल की शादी अमित से होकर आएगी। रहो सुक्के, राड को घटाया करे, बढ़ाया नहीं कर। पिताजी ठीक कह रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओ चिट्ठी महाराज, तू चुप रह ले, ये होने दे रहा ठीक? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा लड़का चाहिए अभी। रहो नास की जड़, बता क्यों देता अमित कहाँ है? मुझे के पता कहाँ है? अंकल जी, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था।
और मैं कहूँ ये बात तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले उस अमित को ढूंढ लो। पापा बचाओ। आज तुमने कुछ सुना? ये तो मेरे अमित की चीख है। ससुरा छलावा हो रहा, कभी दिख जा कभी लुक जा। आवाज तो यही आसपास से आई है। पापा बचाओ। क्या हो गया अमित, तू इतने ऊपर क्यों चढ़ गया? नीचे आके पारुल से शादी कर ले, नहीं तो जिंदा ना छोड़ दो। अमित नीचे उतर आओ। नहीं मैं नहीं उतरू। अरे भाई नीचे आ जा, सब ठीक हो जाएगा। अमित बेटे आ जा। बेटे ये तो फायदे की बात है, और नीचे आ जा। तू घबरावे ना, मैं उतारूंगा तुझे। नहीं पापा मैं नहीं उतरने का। अरे तू उतरता क्यों ना है? पापा यू मुझे मार गिरेगा। मेरे होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो इसने शादी ना करी मैं नहीं छोड़ने का इसे। ये क्या कर रहे हो चौधरी साहब, इसकी साथ अगर जबरदस्ती करोगे तो ये गिर भी सके। बाबूजी कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम तो कहीं के भी ना रहने के। अरे मेरी समझ में नहीं आया, तुम इस शादी की हाँ भर दो। नहीं ये नहीं हो सकता। थारा ड्रामा न्यू चलता रहा तो इसका ऊपर ही दम निकल जाएगा। अंकल जी आप मान क्यों नहीं जाते, ये दो जिंदगियों का सवाल है। आखिर अमित भी तो आपका एक लौता लड़का है, अगर उसे कुछ हो गया तो आप अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? चौधरी साहब मैं हाथ जोड़कर दोनों बच्चों की खुशी मांगता हूँ, आप इस शादी के लिए हाँ करो। ठीक है। ओ सजन अब तो नीचे आ जा, तेरे बाप ने भी हाँ कर ली। पापा ये लोग सही कह रहे हैं, आप तैयार है? हाँ बेटा मैं तैयार हूँ। पापा बचाओ मुझे, वो गिर रहा है उसे उतार के ला। मेरे बस की ना है, उसके घर वाले हैं रिश्तेदार हैं अपने आप उतार लेंगे। बचाओ मुझे। तन्ने वादा किया था उसे घर ले जाने का। ओहो तेरे वादे ने खाए भाई, तो उतारना ही पड़ेगा। पापा बचाओ मुझे। अमित संभल के संभल के। मुकेश संभल के बेटे, गिर मत जाइयो। ला डरे मत, ला ला कसका पकड़ लिया कसका। मुकेश गिर मत जाना। मरवा दिया आज तो, पहले तो इतने ऊपर चढ़ा दिया, अब न्यू कह रही है गिरिए मत ना। दो चार वचन और रह रहे हो तो वे भी भरवा ले। अरे अब मत गिरिए। मेरे बेटा तू ठीक तो है? पापा मैं कहाँ हूँ? बेटा तू मेरे पास है? देखो मैं कह रहा था ना मैं सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो चौधरी साहब अब के विचार है, चलें अभी? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरमनू कहूँ नू है, अरनू है, नूना तो नू है, इस सारे चक्कर में तो मेरी छोरी बदनाम होगी। ठीक है लौंडा तो मेरा भी बदनाम हो गया मुंशी जी। तो फिर के विचार है? अरे के विचार है मुंशी जी, कह जो दे। तू कह दे। तू जो कह दे। मैं क्यों कहूँ, तू कह दे। मान जा मैं नू कह रहा हूँ, तू कह दे। मैं क्यों कहूँ, वैसे तो बहुत जुबान चले तेरी। यो रिश्ता मैं मंजूर है। We'll be right back.
लिकड़ा जावे, रोकूं तो वो रुक ना पावे। दिल तो हाथ से लिकड़ा जावे, रोकूं तो वो रुक ना पावे। बता अब के करूं, तुझी से प्यार करूं। बता अब के करूं, तुझी से प्यार करूं।